मामला ये है कि स्कूल प्राइमिसिस में कुछ चीज़ें ऑब्जेक्शनल पाई गई है, जैसे कि स्कूल में मदरसा भी चलता है, जबकि अनुमति उनको सिर्फ 8वीं तक स्कूल चलाने की है, लेकिन बच्चे 9वीं 10वीं में भी पढ़ रहे हैं। दूसरा जो उनके छात्रावास है उसमें इबादत खाना है, स्कूल है और इबादत खाना है, और जहाँ बच्चे पढ़ते हैं और खाना खाते हैं वहाँ मस्जिद है। दूसरा उनका जो ड्रेस कोड है वो भी मुस्लिम परिधान जैसा है, कुर्ता पजामा और जालीदार टोपी, कुछ बच्चे जो पगड़ी लगाए थे जो उनके वर्ग में मुस्लिम वर्ग में लगाते हैं, और उनके पास सिर्फ अनुमति स्कूल चलाने की है, मगर स्कूल के साथ साथ और वो मदरसा भी चलाते हैं। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि 4:30 बजे उनको उठा दिया जाता है, और ऐसा एक वीडियो था जिसमें बालक कह रहा था कि हमें नींद आती है, हमारे साथ मारपीट की जाती है, और वहाँ बच्चों ने बताया है कि उसको ज़बरदस्ती उठा के नमाज के लिए उठाया जाता है, उसके बाद में उनके साथ जो मदरसा की पढ़ाई होती है वो पढ़ाई भी होती है, जबकि उनको इस बात की अनुमति नहीं है। दूसरा, इसके पहले बताया गया है कि वो स्कूल की छुट्टी और मदरसे की छुट्टी शुक्रवार को होती थी, लेकिन मदरसे की छुट्टी वो शुक्रवार की है और स्कूल की छुट्टी उन्होंने रविवार की, ये सब किए उनको एक माह ही हुआ है।